सबसे पहले सभी को जोहार। अब सरकार अपने कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए तनख्वाह देती है। आज भी हमारा कई ऐसा गांव देहात है जहां का लोग अभी भी बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, ब्लॉक ऑफिस कभी देखा नहीं है, कलेक्टर ऑफिस कभी देखा नहीं है। ठीक है, ऑफिस देखने से क्या मतलब, काम होने से मतलब है। तो पदाधिकारी आपकी सेवा के लिए है और आज इसीलिए हम लोगों ने सरकार जो योजना आपके लिए बनाती है इसका गठरी बांध बांध करके आपके दरवाजे में पदाधिकारियों को हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं कि देश का पहला ये राज है जहां हम अपने मजदूरों को हवा जहाज से ढो ढो करके घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। क्या किया 23 सालों में ब्लॉकों ने, क्या किया कलेक्टरों ने, इसका मतलब कोई काम नहीं होता था। प्रखंड कार्यालयों में, जिला कार्यालयों में कोई कर्मचारी काम नहीं करता था और पूर्व की सरकारों ने जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं उनको आपके सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने सेवा में लगा दिया था। झारखंड में कोल इंडिया सबसे अधिक काम करता है, आज में ईडीसीबीआई को दौड़ा दिया ताकि हम बोलना बंद कर दें। लेकिन आपका हक अधिकार तो हम लोगों ने सदियों से हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। विगत 22-23 साल में इन लोगों ने 20 साल के अंदर में इस राज्य के लोगों का तो शोषण किया ही, इस राज्य के कर्मचारियों का भी शोषण किया। इनके भी जो बुढ़ापे का लाठी हुआ करता था जिसको कहते हैं पेंशन, उसका भी इन लोगों ने सौदा कर लिया। लेकिन आज हमने अपने कर्मचारियों को भी मान सम्मान के लिए पुराना पेंशन लागू किया और आज उसी आत्मविश्वास के साथ इन कर्मचारियों को ही लगा करके गांव भेज रहे हैं जहां सड़क नहीं है, जहां रोड नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है। लोग वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से जाकर तंबू लगा लगा करके गरीबों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। कोयला हम ही से लेता है और कोयला का बकाया वो नहीं देता है। कोयला का भी हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया है सब मिलाकर, वो नहीं मिलता है। लेकिन डीबीसी में राज्य सरकार का 1200 करोड़ रुपया बकाया रह गया तो बिजली काटना चालू कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति महोदय आते हैं उसमें बिजली काट देता है ताकि सरकार का नाक कट जाए। और तो और उस बकाया को निकालने के लिए हमारे रिजर्व बैंक में जो मूल खाता है उससे अपने आप पैसा निकाल लेता है। अब हम अपना खुद का लाइन राज्य सरकार बिजली संरचन का लगाएगी, ट्रांसमिशन लाइन लगाना प्रारंभ कर चुकी है कई जिलों में और उसके बाद डीबीसी अपना लाइन का अचार डालेगा, उसको कोई लेने वाला नहीं होगा। आज पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा तो इस राज्य जो देश का सबसे पिछड़ा राज है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर ये अगड़ी राज्य के पायदान में आके खड़ा हो जाएगा।